हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयां, दस्ती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयां, बूंदों सी मैं निर्मल जीवन में दलदल खिलता है फिर भी कमल। हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयां, दस्ती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयां, जीवन में दलदल हिलता है फिर भी कमल। एक बुक चाहिए, रोमियो एंड जूलियट। अरे बेटा केक कब काटोगी? अरे हाँ, शाम को आ जाना चाहिए था अब तक। हम चलते हैं, हमें किसी और पार्टी में भी जाना है। लगता है शाम की वजह से विराज और मानिया का रिश्ता टूट जाएगी। लेकिन क्यों? शाम अपने ही वेडिंग एनिवर्सरी में नहीं आया था। वैसे किताब के लिए इतना हाइपर क्यों रही थी? I mean, after all, it's just a book. अब मैं तुम्हें सच कैसे बताऊं कि ये किताब मेरे लिए एक स्पेशल गिफ्ट है, वो भी किसी अनजाने से। माना, I can't believe this. You got me a book. हेलो, क्या हुआ? जस्ट अ बुक। ऑफ कोर्स अ बुक, लेकिन मेरे लिए सिर्फ ये किताब नहीं है, ये गिफ्ट है जो तुमने दिया है, इसकी मेरे लिए बहुत अहमियत है। लेकिन मेरे लिए इस किताब में क्या है वो ज्यादा अहमियत रखता है। रहने दो, तुम नहीं समझ पाओगी, जो भी समझना है मैं खुद समझ लूंगा। ओह, अब मैं समझी। इसमें एक लव स्टोरी है और तुम्हारी नजरों में प्यार की बहुत अहमियत है ना? Isn't it? बोलो ना। सच बोलूं या झूठ? कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और इस प्यार को तुम बहुत ज्यादा अहमियत देते हो। मानव, I really love you. ठीक है, लेकिन अब चलें। Okay. Excuse me. What? Anita. चलो, हमें चलना है। चलो। What? जी आइए आइए आइए, कैसे हैं? फर्स्ट क्लास, आप कैसे हो? बस ठीक है। मैं अभी फोन करने वाला था। ऐश्वर्य जी, हमारे इंग्लिश क्लाइंट मिस्टर जॉन मेसन आए हैं। मैं सोच रहा था अगर शाम की मीटिंग के लिए आप चले जाते तो, मुझे कुछ और काम है, वैसे भी आप हमारे पार्टनर हैं। सो तो है, 1/4 पार्टनरशिप से शर्मिंदा कर रहे हैं। स्वयं, ये हर रोज शाम को जो आपका काम निकल आता है, इसे बाकी के काम बिगड़ने लगते हैं। मशहूरी जी, दिन के जो काम हैं वो तो मैं बखूबी निभा लेता हूं, तो मेरे शाम के काम से किसी को भला क्या शिकायत होगी? शिकायत होती है जब तुम्हारे घर से किसी को रिश्ता जोड़ना होगा, शिकायत होगी। अब रिश्ता जोड़ना बिजनेस में पार्टनरशिप जैसा तो ही नहीं, ऐसी शिकायतों से नजदीक से नजदीक लो, इवन पार्टनर्स रिश्ते जोड़ने से हिचकिचाने लगते हैं। सही कहा, बिजनेस में पार्टनरशिप करना रिश्ता जोड़ने जैसा नहीं। अब जाजू परिवार के साथ में पार्टनरशिप करना कोई फायदेमंद बात तो है नहीं। बिफोर आई फॉरगेट,
आपके बेटे विराज के नाम जो फैक्ट्रीज की थी उसकी पेपर्स रेडी हो गए। मान्या के साथ एंगेजमेंट के दो दिन पहले आपके यहाँ पहुंच जाएंगे। अब मेरा ख्याल है कि शाम की मीटिंग के लिए आपको जाना चाहिए। आओ मानव, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। दरअसल बात यह है कि मानव, उधर दरवाजे पर क्या कर रहे हो? मेरे कमरे में आने से शर्मा रहे हो? कम ऑन, आओ भी। That's like a good boy. अच्छा मानव, tell me frankly, तुम इतने सालों बाद मेरे कमरे में आए हो, कोई चेंज नोटिस किया कि नहीं? नहीं तो मुझे लगा ही था तुम्हारा जवाब यही होगा। ये जो हमारी बचपन की फोटोग्राफ्स पीछे वाली दीवार पर है ना, पहले वो सामने वाली दीवार पर। क्या हुआ मानव? पता है तुमने बचपन से जितने भी गिफ्ट मुझे दिए ना, मैंने आज तक सब संभाल के रखे। वो अरेबियन नाइट्स की किताब, दो स्टडी बैग्स एंड दैट ब्यूटीफुल पेन, उसे तो मैं बोर्ड एग्जाम्स में भी लेकर गई थी। चलो मैं दिखाता। अनीता, ये क्या बचपना है? ये बचपना नहीं, ये प्यार है। मानव, आई रियली लव यू। ये सड़क और मुझे टैक्सी भी नहीं मिल रही। अगर पंग्या को पता चला कि मैं तुझे चल के लेके आया तो हंसेगा मुझ पर। आप टेंशन मत लीजिए, हम पंग्या अंकल को बताएंगे ही नहीं कि हम इतनी दूर तक चल कर आए। अरे हाँ, मैंने तुझे इतनी सारी कलम जो दी थी उससे मदद मिली ना? हाँ, बहुत मिली। आज अगर किसी चीज से मदद मिली तो वो इस किताब से। अगर ये ना होती। ये किताब तो तूने मेरे साथ जाकर नहीं खरीदी थी, फिर ये? उसने मुझे दी थी। क्यों, परीक्षा तो उसकी भी थी ना? आइसक्रीम नहीं, अगर अम्मा को पता चला तो छोड़ेगी नहीं मुझे। नहीं, एक बार खाने से कुछ नहीं होता। टैक्सी रुता, आप भी ना। एक मिनट, जिनिवा आई बाबूजी। क्या हुआ? पता नहीं बाबू, छोड़। क्या हुआ बाबूजी? क्या बात है बाबूजी, आप चिल्लाए क्यों? अरे चिल्लाओ नहीं तो क्या करूँ, मेरी बात कोई सुनता ही नहीं। किंतु बाबा, हुआ क्या है? क्या हुआ, 5 बज गए, अब तक मैंने लंच नहीं किया। बाबूजी, आप 2 घंटे पहले लंच कर चुके, मैं खुद आपको देकर गई थी। मैंने कहा ना, लंच नहीं किया तो नहीं किया, मुझे खाना चाहिए अभी। लेकिन बाबूजी। जिग्ना, बाबा कोई बात नहीं, जिग्ना अभी खाना लेकर आती है। ये लीजिए बाबूजी। ये क्या है? खाना, आपने अभी कहा ना कि आपने लंच नहीं किया। मैंने कब कहा? मैं तो खाना कब खा चुका हूँ, देखो प्लेटें भी पड़ी है। जाओ नौकर को बोलो प्लेटें साफ करो, जाओ। हे भगवान। हेलो। हाँ कौन? हेलो महेश्वरी जी, मैं नारायण बोल रहा हूँ। बोलो, सुन रहा हूँ मैं। जी वो विराज और मान्या के शादी की बात दरअसल नहीं हो पाई थी तो हमने कर लेंगे। जल्दी क्या है, हमारे घर पर आ जाओ, आप ही का तो घर है। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, हम आ जाते हैं। बताइए ना कब आए। एक दो दिन में वक्त निकालता हूँ मैं, फिर बात करते हैं। बाय। Okay.
स्वयं कहाँ है? नजर नहीं आ रहा जी। वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो तुम्हारी वेडिंग एनिवर्सरी ही भूल गया हो? अरे बेटा केक कब काटोगी? हाँ काफी लेट हो गए, शाम को आ जाना चाहिए था आपका। अजीब उलझन है, समझ में नहीं आता ये श्रृंगार ऊपर रखूं या ये बंधन। ना ये श्रृंगार हम दोनों को करीब ला पाया, ना ही ये बंधन हमारे रिश्ते को मजबूती से बांध सका। श्रृंगार तो हर शाम आप देखते हैं, ये श्रृंगार को तो हम दोनों को जोड़ने में मुश्किल होगी, लेकिन ये बंधन कम से कम आपने आज नहीं तो कल जिम्मेदारी का एहसास दिलाते हुए शायद हम दोनों को आपस में बांध सके। कमल दी, रमा भाई किधर है? क्यों, क्या हुआ? कुछ जरूरी काम था। हो रही ना उसको, चल। माँ, माँ, क्या हुआ माँ? अरे कुछ नहीं रही, तू काय को फिकर करती है? बेटा तेरा तो इम्तिहान आने को है ना, तू फिकर नहीं करने का। मैं अब भी गई अब भी आई, चल रे जम्मन। मेरा फोन डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा वो डिस्कनेक्ट हो गया, फिर से ठीक ही कहा है। मेरे को गिफ्ट देने में भाइयों को देरी नहीं करनी चाहिए। हां हां हां, अच्छा बाबा तुम जीती मैं हारा, तुम सबके गिफ्ट हैं अलमारी में जाकर ले लो। इस अलमारी में नहीं, बाहर वाली। थैंक यू भैया, थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू भैया, थैंक यू भैया। स्वीट ब्रदर, सर मैं कोशिश कर रहा हूँ सर, वो प्रेस वाले आ गए, उन्होंने भी दो तीन फोटोग्राफ ले लिया वहाँ पे। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर। यस सर। हाँ मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। सुनिए क्या है, दिखता नहीं मैं यहाँ पे फोन पे बात कर रहा हूँ? मैं भी तो कब से आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ। यही कह तुम वहां गलती से गए, अरे हर कोई यही कहता है। नॉनसेंस, तुम इससे बात करो। एक तो तेरे को लॉकअप से निकाल कर मेहरबानी कर रहा हूँ मैं यहाँ, और ऊपर से इंस्पेक्टर साहब। आप कौन है?
मैं आपको बताता हूँ इंस्पेक्टर साहब, प्लीज। क्या काम क्या है? आप बताइए ना इंस्पेक्टर साहब। जल्दी करो, जल्दी कर। वो अपन को इन कपड़ों में देखेगा तो क्या सोचेगा? उसने कभी हमको ऐसे नहीं देखा, वो सफल हो जाएगी। आप सहन नहीं कर पाएगी, दीदी आप संभालो। चिंता नहीं करने का, जो बात उसे आज तक पता नहीं चली आगे भी नहीं पता चलेगी। देखो मैं पहले जाती हूँ अंदर, तुम दोनों चुपके से आना, पता नहीं चले चुपके से। हाँ। चले चले। माँ माँ तुम इधर से आ गए, मैं तो उधर भी देख रही थी। बेटा किसने बोला तेरे को यहाँ खड़े होकर मेरा इंतजार करने को है? देख मैं जो बात तेरे को एक बार बोलती तू मानती काहे को नहीं? तेरे को बोली ना मैं घबराने की कोई बात नहीं, काहे को घबराती तू? मा, मैं क्या सोचती तू क्या होएगा मेरे को? कुछ नहीं होएगा मेरे को, ये सब हलकट लोग ना डरते मेरे से, और मैं डरती तो सिर्फ तुझसे ही। अब इतनी रात को आकर तू यहाँ खड़ी हो गई, तेरे को कुछ हो जाता तो बहुत सताती रे कमल तू मेरे को। मैं नहीं बोलती तेरे से, गुस्सा मैं तेरे से। पढ़ लिख कर अपने आप को बहुत होशियार समझने लगी क्या तू? बेटी हो तुम्हारी, चिंता नहीं होगी मुझे तुम्हारी? ना बच्चे, मेरे बच्चे रो नहीं तू। देख मेरा दिन तो तेरे से शुरू होता है और तेरे पर ही खत्म होता है। देख अगर मैं इन सब हलकट लोगों से लड़ रही हूं तो तेरे वास्ते ही ना। अब तू ही इधर उधर जाएगी, मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं कैसे लड़ेगी रे? तू ही बता। अब रोने का नहीं, हाँ घबराने का भी नहीं। चल चल अंदर चल रे पिंकी। Thank you.
आपकी फोटो छपी है।